It looks nice. Rashu, ready questions ke liye? Ready. Well, let's roll, Papa. Let's roll, Papa. 26 जैन को स्कूल में हमारी परेड होती थी, फंक्शन होता था. We used to prepare a lot of dances and we used to have performances ready. And ऊपर से फ्रेंड्स के साथ मिलने को होता था and सब बैठते थे, हम परेड देखते थे, तो बहुत मजा आता था. In the national anthem, आशीष वर्ड आता है. So I used to always wait for that part, you know, कि आशीष वर्ड आया and I used to like, okay, of course, I will एकदम stand still होता था, लेकिन I used to look around, okay, somebody reacting, somebody is watching me, आशीष नाम आया है. और मुझे हमेशा ऐसे पीछे लाइन में खड़े होके लगता था कि हाँ, one day I'm going to be the one hoisting the flag. But I still have the dream that in front of a lot of people, in front of thousands of people, I get to hoist the flag. I wish. So yeah, we got samosa. Samosa तो मतलब ऐसा patented है ना कि Independence Day और Republic Day में samosa मिलेगा. मुझे देख के आपको पता लग रहा होगा कि मुझे समोसों के आसपास किधर भी जाने दिया नहीं जाता था. डिस्ट्रीब्यूट वो सीधे बच्चों को रखते थे जो कि गफला ना करे. फ्लैग होस्टिंग के बाद स्कूल में ही रहता था, गेम्स खेलता था इन एन अल्टरनेट यूनिवर्स. इन एन एक्चुअल यूनिवर्स मैं ऑफ कोर्स घर जाता था. वी यूज्ड टू जस्ट वॉच टीवी. मतलब आई थिंक इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे वर ओनली द ओनली टू डेज वेयर वी यूज्ड टू गेट द की फॉर लाइक द एंटायर डे. एंड देन वी यूज्ड टू वॉच द लेजेंड ऑफ भगत सिंह जिसमें अजय देवगन थे. इट हैज टू बी हैंड्स डाउन फॉर दिस. लगान इज वन ऑफ दोस मूवीज दैट यू नो ब्लेंड्स इन पेट्रियोटिज्म एंड वन ऑफ आवर मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट्स टुगेदर. ये जो देश है मेरा. फॉर हिज फाइनल सेंटेंस ही वाज सिंगिंग मेरा रंग दे बसंती चोला एंड द मेन ट्यून ऑफ लगान स्पेशली इन द क्लाइमेटिक मोमेंट्स. जब शाहरुख खान बिजली लाता है गांव के अंदर और फिर एक बहुत बूढ़ी सी आंटी होती है, उनके घर में एक बल्ब होता है, उसमें फाइनली बिजली आती है और आंटी उसे देख के कहती है बिजली. और बचपन में भी ऐसे गूज़बम्स आते थे उसे देख के, जस्ट टू लुक एट आंटीज़ फेस एंड द वे इट वाज डन. द सीन वेयर कैप्टन स्लैप्स जो उधर काम करते थे फॉर द ब्रिटिश रेजिमेंट एंड देन ही यू नो ही रिमूव्स इट एंड ही शाउट्स ए भैया छूटे लगान. जब वो जेल में बैठ के अपना किताबें पढ़ रहे होते हैं और जेलर आते हैं कि आपका टाइम हो गया, तो वो कहते हैं बस एक आखिरी बार इनसे मुलाकात कर लूं, तो उस टाइम भी वो बहुत ही टचिंग सीन है. If it's a film that's about patriotism, is obviously loving your country, being very proud of it and all of that. सिर्फ अपने बारे में ना सोच के आपके देश की जो आने वाली पीढ़ी है उनके बारे में भी आप सोचें. ये साल रिपब्लिक डे का फर्क ये है कि ऑफकोर्स हमको थोड़ा दूर रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है. यू कैन स्टिल फील प्राउड इन अ पैंडेमिक. आई थिंक आई एम गोना सेंड माय फ्रेंड्स समोसास, गुलाब जामुन एंड फ्रूटी एंड मेक लाइक स्मॉल लाइक पैकेजेस ऑफ इट एंड सेंड इट टू देम विद लाइक अ इंडियन फ्लैग. मैंने सुना इस बार ऑनलाइन मीटिंग्स और यू नो वीडियो कॉल्स पे रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हो रहा है, सो इट इज फॉर द बेटरमेंट. तो ऐसे ही सेलिब्रेट करो. थैंक यू सो मच नेटफ्लिक्स इंडिया फॉर डूइंग दिस. आई एम सडनली स्वॉम्ड विद ऑल द नॉस्टैल्जिक मेमोरीज. और आप सब अच्छी अच्छी पेट्रियोटिक फिल्म्स आज देखें. हैप्पी रिपब्लिक डे. जय हिंद.